नमस्कार दोस्तों, आपने हिंदू धर्म के अनुसार काफी बार देखा होगा कि इंसान कुछ भी शुभ कार्य कर रहा होता है तो उसके लिए वह पूजा पाठ आयोजन कराता है और उस पूजा के बाद माता या भगवान को भोग लगाता है और उस भोग के बाद उस प्रसाद को जो भी संगत यानी कि जो भी लोग आए हैं उनमें वितरण करता है। उस प्रसाद का अनोखा ही अंदाज माना जाता है। कहते हैं कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन इस भोग को ग्रहण करने के लिए एक बार इंसान को सोचने की बात है कि उठना भी पड़ेगा, उठा के खाना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान तो अपनी जगह से हिलते भी नहीं, तो भोग कैसे ग्रहण करते हैं। परहंस और भगवान श्री कृष्ण ने माता काली को भोग लगाया था। कहते हैं कि माता काली को खुद उन्होंने छोटी कन्या के रूप में देखा था और उन्होंने भोग ग्रहण किया था। आइए आज मैं इस वीडियो के दौरान बताती हूँ कि भगवान भोग कैसे करते हैं। कहा जाता है पूजा के दौरान जो भोग भगवान के लिए रखा जाता है उस भोग का खासकर भगवान के लिए ही बनाया जाता है। भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं होती। भगवान के रूप में सभी जो भी प्राकृतिक ने दिया है उसी दौरान पर उन्हें भोग ग्रहण किया जाता है। कहते हैं अगर आप मन में सच्ची विश्वास सच्चे मन से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अवश्य ही खाएंगे। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि माना जाता है कि विश्वास से कोई भी कार्य किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। कहा तो ये भी जाता है कि विश्वास से भगवान को ढूंढा भी जा सकता है यदि आपके मन में विश्वास हो। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो भगवान फिर नीचे आकर करेंगे ही क्या, ये तो आप ही सोचिए। तो इसलिए कहा भी जाता है कि आप भगवान को भोग लगाएं तो सच्चे मन से और विश्वास और ईमानदारी के साथ ही लगाएं तो भगवान अवश्य ही उस भोग को ग्रहण करेंगे। सच्चे मन से विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल ही होंगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।